bell icon on the YouTube app and never miss any update from Indian Wikimedia. पिछले 1400 साल से हमारे शरिया का हिस्सा रहे, बेशक। और वैसे भी कानून में कोई बुराई नहीं, बस लोगों ने उसका फायदा उठाया। बस याद रखिए मौलवी साहब, आपके कबूल है कबूल है कबूल है, एक कबूल है हमारा भी लगता है। जो आपका रोल है और जो आपकी वॉक एक तरीके से जो हमने अभी देखा काफ़ी नवाबी है, तो हाउ मच यू एंजॉय यू नो प्लेइंग योर कैरेक्टर? मैं आपको सच कहूँ, मैं घर पे इतना एंजॉय नहीं करता जितना मैं सेट पे एंजॉय करता। पहली बात तो एक्टिंग मेरा पैशन है, और दूसरी बात इतना मज़ेदार, इतना अगर लजीज कह सकूँ एक कैरेक्टर के लिए, किरदार के लिए, इतना लजीज कैरेक्टर है ये, क्योंकि लखनऊ जो एक नवाबी स्टाइल है उनका, मज़ा आ जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, जो डायलॉग्स है, जो शेर शायरी की जा रही है, जो सुनने को मिल रहा है, इट्स आई एम ब्लेस्ड, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो रिलीजन एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी एक सेंसिटिव मुद्दा है। रिलीजन की अगर बात होती है इंडिया में तो दंगों की बात भी होती है साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एज एन एक्टर यू फियर दैट वन रॉन्ग डायलॉग एंड इट कैन रियली मैस इट अप? देखिए डर तो नहीं है, क्यों सिंपल सी आपको बात कहूँगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी बताऊँगा। इंस्टाग्राम पे हम लोग जो प्रमोशंस कर रहे थे, पिक्चर्स लगा रहे थे हमारे शूट के, तो एक दो लोगों ने ऐसे कुछ जुमले कहे, पर सच को मुझे डर ज़रा भी नहीं लग रहा है। बिकॉज मैंने अभी किसी को कहा था कि जो राइटिंग है वो बहुत ही पावरफुल है एंड सच है, मेन सब छोड़िए आप, इट्स ट्रू, गलत कुछ नहीं दिखाए। दानिश जी बहुत, हमारे राइटर जो है दानिश जी, एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और उनकी जानकारी ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि डर तो मुझे ज़रा भी नहीं। सच कहूँ आई एम इन फैक्ट मैं गर्व से ये पार्ट निभा रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये किरदार प्ले करने के लिए मिला है। आपके आउटफिट के बारे में बात करते हैं, काफ़ी हैवी है और शेरवानी हमेशा एक तरीके से जो होती है शादी में पहनी जाती है, तो ज्वेलरी भी आपने पहनी हुई, थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। देखिए मैं इधर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो अगेन मालूम है लखनऊी नवाबी स्टाइल जो है उन लोग का, एक शेरवानी एंड ग्रैंड एंड मज़ेदार, देखिए जैसा आप देख सकते हैं, आई मीन कम ऑन, किसको नहीं पसंद आएगा ये रोज़ कपड़े पहनकर लखनऊी स्टाइल में डायलॉग्स कहना है, शेर शायरी करना है, इतना कुछ सीखना। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मेरे को मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि मैं दुबई से, मेरी पढ़ाई लिखाई दुबई में हुई थी, तो ज़्यादा टाइम मैंने दुबई में गुजारा है। जब मैं वापस आया एंड मुझे ये कैरेक्टर करने को मिल रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा है कि आई फील समहाउ कल्चर से वापस रीयूनाइट हो रहा हूँ। तो आप जैसे देखिए, दिस इज़ वेरी कल्चर ड्रिवन, जो डायलॉग्स है, जो लिखाई गई, वेरी कल्चर ड्रिवन, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ द शो दैट विल ड्रैग द ऑडियंस टुवर्ड्स योर शो? ओह, दिस विल कॉज कॉन्ट्रोवर्सी, बिकॉज मैं जो कह दूंगा आपको सच कहूँ, आई नो आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, पर राइटिंग फिनोमिनल, अ बिग शाउट आउट। और मैं सबसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि सबका बहुत एफर्ट्स गए इसमें, पर हमारे डायरेक्टर है विक्रम भाई सर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट डायरेक्टर, एंड उन्होंने जो निकाला, आपकी जो चीखें सुनाई दे रही है वो सब उनकी वजह से। अगर आप पैन करके देखेंगे सब सेल्फी उनकी ही ले रहे, देखिए हाँ, वो जो जनाब है जो वाइट शर्ट में, वो हमारे डायरेक्टर है, जो आप देख सकते, देखिए जो सब पागल है उनके पीछे, दैट मैन इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई एवर, जो आज तक मुझे कभी इतना लक फील हुआ जो उनके साथ काम करते हो, आई एम ब्लेस्ड ऑन ऑल अकाउंट्स, एंड ऑफ कोर्स जो बाकी के एक्टर्स है, एक्सेलेंट टू वर्क, इट्स अ जॉय। हाय, माय नेम इज अदनान खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडियन विकी मीडिया।